प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रयागराज रैली के दौरान 4 साल की बुलडोजर गर्ल भी नजर आई। कनिका नटखट श्याम के लिबास में अपने सर पर बुलडोजर टॉय बांधकर रैली में योगी आदित्यनाथ का समर्थन करने पहुंची थी। वहीं उन्होंने प्रभात खबर से बात करते हुए कहा कि योगी मोदी जय श्री राम। परिजनों ने बात करने पर कहा कि कभी करबला की गलियां अतीक अहमद के आतंक से जानी जाती थी। इस इलाके में कभी खौफ हुआ करता था, लेकिन 2017 के चुनाव के बाद प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद आज यहां किसी का खौफ नहीं है। वहीं योगी आदित्यनाथ ने करबला के नंदी चौराहे से जब रैली शुरू की तो पूरा इलाका जय श्री राम और भगवामय नज़र आया। जय श्री राम के नारे के साथ कार्यकर्ताओं और समर्थकों में ज़बरदस्त उत्साह नज़र आया। योगी आदित्यनाथ ने 2 किमी तक करीब शहर पश्चिमी से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सिद्धार्थनाथ के समर्थन में रैली की। इस बीच हमें एक बच्ची मिली है और इसके जो है आप देखेंगे कि जेसीबी जो है बच्ची जो है अपने सर पे जो है रख के जो है ये बुलडोजर कहिए या जेसीबी कहिए ये बुलडोजर बता रहे हैं और समर्थन करने अपना पहुंची। हम बात करेंगे, क्या नाम है बेटा आपका? अनिका अग्रवाल। अच्छा, ये क्या है जो आपके सर पे है? जेसीबी है। तो आज आप क्या करने आई हैं? मोदी योगी जय श्री राम। अच्छा, तो आपको समर अच्छे लगते हैं योगी जी? हाँ। अच्छा, आपकी बच्ची है? हाँ जी। क्या नाम है आपका? उदित अग्रवाल। क्या ये कहाँ से आया क्रिएशन आपके दिमाग में? नहीं, बुलडोजर का देखिए युग चल रहा है। अच्छा। और बुलडोजर से ही पब्लिक मानने को तैयार है। गुंडे माफियाओं को इसी तरह बात समझ में आती है, कायदे की बात समझते नहीं। हमारे बाबा बुलडोजर जी हैं, उनको प्रतीकात्मक हमने बेटी को तैयार किया है। तो बाबा बुलडोजर के समर्थन में आप तमाम लोग आज यहाँ जो है इकट्ठे हुए हैं। हम जहाँ खड़े हैं लोग कहते हैं कि यहाँ कभी आतंक का पर्याय हुआ करता था, कि क्या? बिल्कुल, यहाँ अतीक अहमद का इलाका रहा है और बहुत लोग त्रस्त रहे हैं। आज जब से योगी जी के आने के बाद यहाँ एकदम शांतिमय माहौल रहता है और आदमी अपने खुल के जीवन जी पा रहा है। हम कुछ महिलाओं से भी बात करेंगे, हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं। क्या नाम है आप लोगों का? शालिनी अग्रवाल। ये रिमोट से आपका जो है जेसीबी चलता है, तो क्या संदेश देना चाहती हैं आप? योगी जी की सरकार आए और अच्छे अच्छे बदलाव हुए। और जिस तरह से आप लोग बुलडोजर पे प्रतिबंध नहीं लगाना चाहते? नहीं, जो गलत है उसको हटना चाहिए। मतलब बुलडोजर चलता रहेगा? क्या लग रहा, बुलडोजर चलेगा? जी, बुलडोजर चलेगा। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।